बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या हाल, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना लेंगे जी आलू बैंगन की रेसिपी, जो बहुत मज़े की बनती है। तो आए शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लिया, इसमें आधा कप ऑयल लिया और एक छोटा सा प्याज डाल दिया। अब प्याज पका रहे हैं जी फ्राई। अदरक लहसुन और हरा प्याज मैंने पीस लिया। अब इसमें मैंने लहसुन अदरक इसमें शामिल कर दिया। मसाला चेक करें। अब इसमें डालते हैं जी टमाटर, ये दो छोटे छोटे टमाटर थे। साथ ही इसमें मसाले डाल देते हैं, हल्दी, नमक, रेड चिली। अब इसको करते हैं जी मिक्स और हल्का सा पानी का छींटा लगाते हैं ताकि मसाला हमारा गले नहीं। ये बहुत मज़े की सब्ज़ी है आलू बैंगन, बहुत फ़ायदेमंद है ये सब्ज़ी। अब इसमें आलू डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू को पहले 5 मिनट भून लेंगे। जो बैंगन है वो जल्दी गल जाते हैं, इसलिए पहले आलू को भून लेते हैं। माशाल्लाह आलू हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें बैंगन डाल देते हैं। अब हम इसके साथ चावल बना रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप रोटियां बना रहे हैं तो आप इसको दम पे भी पका सकते हैं, हल्की आंच पे दम पे पका सकते हैं इसको। मैं इसके साथ चावल बना रही हूँ। ये चेक करें, मैंने आधा गिलास इसमें पानी डाल दिया। इसकी थोड़ी सी हमें ग्रेवी चाहिए। अब इसको बंद कर देते हैं, हल्की आंच पे रख देते हैं। साथ हम बना रहे हैं चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह चेक करें, ये धुआंदार
आलू बैंगन का सालन, अब इसमें हरा धनिया डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सालन हमारा रेडी हो चुका है। इतनी ग्रेवी हमें चाहिए थी, ज़्यादा नहीं बनाई हमने, हल्का सा बना रखा है। चेक करें, इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। अब डिश आउट करके आपको बताते हैं हमारे सालन सालन की लुक कैसी है। और साथ हम वाइट चावल बना रहे हैं। माशाल्लाह ये देखिए जी, आलू बैंगन का हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलेंगे कल एक और रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।